क्वेश्चन नंबर 57, शो हाउ बिट वाइज ऑपरेशंस ऑन बिट स्ट्रिंग कैन बी यूज्ड टू फाइंड द कॉम्बिनेशंस। ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी की ये है, डी की ये है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंटेड करना है इन बिट फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमारे पास ए बी सी की जो टोटल हरूफ तहज्जी हैं वो 26 हैं, ठीक है। तो हम इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, 26 बिट में, बिट्स में। तो जो जो हमारे पास करेक्टर अवेलेबल होगा उसकी बिट हमारे पास 1 होगी, लेकिन जो जो करेक्टर हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा वो बिट हमारे पास 0 होगी। तो जिस तरह के ए को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसमें ए बी सी डी ई है, तो देखें ए बी सी डी ई वाली बिट 1 है, बाकी सारी बिट्स 0 हैं। इस तरह बी में देखें बी सी डी है, तो ए वाली बिट 0 है, बी सी डी आगे ई एफ, इसके बाद जी वाली बिट 1 है, इसके बाद एच आई जे के एल एम एन ओ वाली बिट देखें किधर गया, सॉरी मैं भूल गया, देखें दोबारा सुन लें, ए बी वाली आना है, सी वाली आना है, डी वाली आना है, ई एफ जी वाली आना है, एच आई जे के एल एम एन ओ पी वाली आना है, क्यू आर एस टी वाली आना है, यू वी वाली आना है, और उसके आगे कोई भी आन नहीं है। इसी तरह सी में देखें ए बी सी वाली आना है, डी ई वाली आना है, एफ जी एच आई वाली आना है, जे के एल एम एन ओ वाली आना है, पी क्यू आर एस टी यू वाली आना है, उधर से देखे देखते हैं जैसा, ठीक है ना। इसके बाद आगे एक्स वाई जी ये तीनों आन है, डब्ल्यू वाली आन नहीं है। इस तरह डी की भी हमने ऑन कर ली है। अभी हमने इन बिट्स की मदद से अपना ये सेट्स फाइंड करने हैं और बाद में इनको दोबारा रिप्रेजेंट कर देना है। तो ए यूनियन बी में देखें, इधर से ए की बिट्स मैंने देख के लिख ली और इधर से बी की बिट्स देख के लिख ली, दरम्यान में क्या लगा दिया, आर का साइन। तो हमने बेसिकली यहाँ पे यूनियन लेना है या आर लेना है, एक ही बात है। तो आर में क्या होता है, जिधर जिधर भी वन है उधर उधर हमने वन, मतलब जिधर यहाँ पर वन है उधर भी वन लिखेंगे, इसमें से वन कलेक्ट कर लेंगे और जो बाकी बिट्स बचेंगे वो जीरो। जिस तरह के देखें फर्स्ट सेकंड ए बी सी डी ई वाली बिट्स तो यहाँ पर क्या है, 1 है, ठीक है। तो इसके बाद 6 बिट 0 है बोथ में। तो ये देखें इसको हमने रीड किया और इसको रीड किया तो ये इतना बना, इतना। अब हम देखें इसको रीड करते हैं सेकंड वाले को, ये तो यहाँ पर सारे 0 हैं, यहाँ पर क्या है 1000, तो हम क्या लिख देंगे 1000। इसके बाद यहां से रीड करेंगे तो यहां पर चूंकि सारे ही 0 हैं तो हम इसमें से रीड करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इसमें से रीड करते जाते हैं। तो देखें 1000, इसके बाद 40, मैंने 40 लिख दिए, इसके बाद 0100 वो लिख दिया, इसके बाद 0101 वो लिख दिया, इसके बाद 0000 वो लिख दिया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी इसको हम विच रिप्रेजेंट्स द लिस्ट, ये देखें जो जो बिट ऑन है उस उसकी जगह मैंने उसका करेक्टर लिख दिया, ठीक है। तो ये ए यूनियन बी का आंसर है। इसी तरह आपने ए इंटरसेक्शन बी ले लेना है, देखें मैंने ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें इसमें क्या बात है कि जो बिट दोनों में ऑन होगी उसको हम इधर ऑन करेंगे, अदरवाइज उसको ऑफ कर देंगे। तो देखें इधर है 1 1, लेकिन इधर है 0 1, तो इधर 0 है ये ऑफ है, तो इधर 1 है, तो हमने सिर्फ बाद वाली बिट ऑन किया। इस तरह यहाँ पर देखें क्या है 1110, यहाँ पर क्या है 1100, तो हमारे पास दो बिट सेम ऑन है तो हम 1100 लगा देंगे। इसके बाद चूंकि यहाँ पर सारी बिट 0 है तो यहाँ पर ऑन भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक साइड पर 0 है तो हमने सारी बिट्स ऑफ ही कर दी है। इस तरह विच रिप्रेजेंट्स द सेट बी सी डी, सॉरी ये शायद नेक्स्ट पेज पे लिखा गया है, तो ये बी सी डी इसका आंसर है। इसी तरह ये पार्ट सी है, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मैंने पहले ए यूनियन डी ले लिया, पीछे से वैल्यूज देख के लिख ली ए और डी की, इनका यूनियन ले लिया तो ये वैल्यू आ गई। इसी तरह बी यूनियन सी, ये देखें बी और सी की वैल्यू लिख ली, इनका यूनियन लिया तो ये वैल्यू आ गई। ये सॉरी यहाँ पे नहीं आता, ये एंड पे आता है, ये कट है, ठीक है। अभी देखें जो दो मैंने हमने वैल्यूज फाइंड किए ए यूनियन डी की और बी यूनियन सी की, अब हमने लेना है इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज हैं, इनका हमने इंटरसेक्शन ले लिया, देखें पहले क्या है 1 1, यहाँ पर क्या है 0 1, तो सिर्फ सेकंड वाली बिट ऑन होगी। दूसरे वाला सेट में क्या है 1110, यहाँ पर क्या है 1110, दोनों में सेम बिट्स ऑन है तो हमने भी वही लिख दिया 1110। थर्ड में क्या है 0110, यहाँ पर क्या है 1010, तो सिर्फ ये थर्ड वाली बिट जो है वो सेम ऑन है तो हमने क्या लिख दिया 0010। फोर्थ में क्या है, इसमें 0001 है और इसमें 4 0 है, तो चूंकि इसमें 4 0 है तो हमने 4 0 लिख दिए। तो इस तरह हमने ये फाइंड कर लिया ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन
सी। तो विच रिप्रेजेंट सेट, ये उसके सेट को रिप्रेजेंट करता है, बी सी डी ई आई ओ टी यू एक्स वाई। तो ये आपने इधर से देख के जो जो बिट ऑन है उधर से उसके हमने करेक्टर लिख दिए। इसी तरह हमने ए यूनिट बी यूनिट सी यूनिट डी लेना है। तो यहाँ देखें, मैंने ए की वैल्यू लिखी, फिर बी के बाइनरी डिजिट्स लिखे, फिर सी के लिखे, फिर डी के लिख दिए। ठीक है, अभी मैंने सबका मैंने यूनिट ले लिया तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये आप ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। देखिए जिस तरह के हमने पहले वन वन है तो वन वन लिख दिया, फिर क्या है ट्रिपल वन जीरो, यहाँ पर क्या है डबल वन डबल जीरो, यहाँ पर क्या है वन जीरो वन जीरो, और यहाँ पर क्या है जीरो डबल वन जीरो। तो सबका यूनिट लें तो ये बन जाता है ट्रिपल वन जीरो। इस तरह सबका आपने यूनिट ले लेना, तो ये चीज आ जाएगी। उसके बाद विच रिप्रेजेंट सेट, तो ये इस सेट को रिप्रेजेंट करता है ए बी सी डी ई जी एच आई एन ओ पी टी यू वी एक्स वाई जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा आ गया सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 57 का।